Good evening, dear students. Welcome to wifistudy JEE, a part of Unacademy. Power booster class की जैसे कि आज सैटरडे को पहली क्लास है. अभी तक सैटरडे आपके ऑफ हुआ करते थे, लेकिन अब से सैटरडे ऑफ होना बंद हो गए हैं और आगे से आपके सैटरडे को भी क्लासेज रहा करेंगी. नए शेड्यूल जो है आपको ऑलरेडी आपको बता चुके हैं. मैं वापस आपको बता देता हूँ. और कल एक मेरा इवेंट है सुबह 9 बजे, है ना, उसको देखना मत भूलिएगा. सुबह 9 बजे एक मेरा इवेंट है, उस इवेंट को आपको देखना नहीं भूलना है. शेड्यूल जो है वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन कल के वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी. कल की वीडियो में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में मिल जाएगी. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में अभी लाइक का बटन दबा के आपको अपनी अटेंडेंस लगा देनी है और इसको शेयर करना है. शेयर करना भी अटेंडेंस माना जाएगा. जो शेयर नहीं करेगा उसको एबसेंट मान के तड़ी पार कर दिया जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास. हमारी जैसे कि पूरी टीम है 6 एडुकेटर्स की. 6 एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं. डांगी सर, वरुण सर, मैं विवेक सर, डीएन सर, राज सर और विष्णु सर. हम 6 एडुकेटर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं. आपको wifistudy JEE पर भी फ्री पढ़ाया जा रहा है और अनअकैडमी प्लस पर भी आपके लिए कुछ शानदार कोर्सेज लेके आए जा रहे हैं, जो कि कुछ खत्म हो चुके हैं, कुछ नए कोर्सेज चल रहे हैं, कुछ आने वाले कोर्सेज हैं. जैसे कि मंडे को मेरा एक कोर्स आने वाला है, उसके बारे में बताऊँगा. एक सेशन है एग्जाम, जैसा कि आपका बहुत पास में आ चुका है, एग्जाम आपका बहुत पास में आ चुका है, तो इस वक्त पे बच्चों को रहता है कि सर स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, इस वक्त पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, इसके ऊपर बात हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. तो स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी क्या रहेगी, इसकी बात करेंगे. आपके 51 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन कैसे करना है, किस तरह से आप लोगों का जो कंटेंट हो चुका है उसको फॉलोअप करना है, किस तरह से उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाएँ, तो उसके लिए आपका एक सेशन है 51 डेज स्ट्रेटेजी टू क्रैक IIT JEE मेन 2020 को जनवरी अटैम्प को अगर क्रैक करना है तो उसके लिए सुबह दस बजे 10 तारीख को बोरिया बिस्तर लेके बैठ जाना, है ना. डिस्कस करेंगे इस बारे में. ठीक है बच्चों, मेरा एक कोर्स आ रहा है मंडे से, परसों से, GOC 2 स्टार्ट हो रहा है 4 नवंबर से, मतलब परसों से सुबह 9 बजे मेरी क्लास होगी. सुबह 9 बजे से लेके क्लास होगी जब तक कि आपका मन करेगा. ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चंस मैं उसमें कराऊंगा. शानदार चीज़ आपको उसमें करवाऊंगा. अब रटने की ज़रूरत नहीं है. इसमें सिंपल सा फंडा है कि अब जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो आप यूट्यूब की मेरी क्लासेस तो देख ही रहे हैं. यूट्यूब के अलावा मेरी अनअकैडमी प्लस पे भी कोर्स ले सकते हैं. आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं कि सर विवेक सर की क्लास जो है चल रही है, उनको आप सर कह के बोलिएगा कि सर देखिए विवेक सर की क्लासेज चल रही हैं, अनअकैडमी प्लस पे क्लासेज ले सकते हैं. लाइव क्लासेज हैं. जिन लोगों से यूट्यूब पे भी क्लास मिस हो गई है मैकेनिज्म की, वो यहाँ पे वापस से शुरुआत कर सकते हैं. 1 हफ्ते के करीब का कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, नन्ना मुन्ना सा कोर्स है, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं. क्या करना है आपको 4 नवंबर से इस कोर्स को लेने के लिए, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है. ठीक है, वो भी बताएंगे. एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, स्टार बैच स्टार्ट हो रहा है कोटा पैटर्न पे. उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है आपको मंडे से मिलेगी. ये यूनिक बैच है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, कोटा पैटर्न है. कोटा की जो USP है उसको हम ऑनलाइन आपके लिए लेके आ रहे हैं. विष्णु सर, वरुण सर और मैं तीनों मिलके उस कोर्स को आपके लिए लेके आ रहे हैं. शानदार अल्टीमेट गजब का ये कोर्स रहेगा. इन्फॉर्मेशन आपको मंडे से मिलना शुरू हो जाएगी इस कोर्स के बारे में. क्या करना है आपको, ये कोर्सेज कोई सा भी कोर्स अगर आपको लेना है अनअकैडमी प्लस पे, अगर आप 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में ड्रॉपर में, तो कोई भी वहाँ पढ़ सकता है और अल्टीमेट एक्सपीरियंस वहाँ पे क्लास का होता है. यूट्यूब पे तो क्या होता है कि इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा आपका कंज्यूम हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रहे हैं, बीच में इररिलेवेंट कमेंट्स भी आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके डाउट्स को भी आप नहीं पूछ सकते हो, है ना. डिसएडवांटेज काफ़ी है यूट्यूब के, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं. ठीक है, लेकिन आप अगर देखोगे तो अनअकैडमी प्लस पर वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं. आपको क्या करना है, अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, कैसे करना वो आपको अच्छे से आता है. आप हमारे कोर्सेज wifistudy करके सर्च कर सकते हैं, बाकी एडुकेटर्स की सर्च उनके नाम से भी कर सकते हैं. और कोई भी कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना है, Vivek10 कोड यूज़ करना है. ये कोड जब यूज़ करते हो आप तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, ताकि कोर्स आपके लिए और सस्ता हो जाए. वैसे तो इस कोर्स की कॉस्ट काफ़ी रहती है, लेकिन हमारी तरफ से आपको डिस्काउंट मिल जाए इसलिए हम वहाँ पर आपको एक कोड देते हैं. उस कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाता है. जिसको लगता है उसके पास में बहुत पैसे, मुकेश अंबानी है, वो इस कोड को यूज ना भी करे तो भी चलेगा. लेकिन अगर वो मुकेश अंबानी नहीं है या उसके रिश्तेदार मुकेश अंबानी नहीं है तो Vivek10 कोड यूज करना है, ताकि उसको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए. कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है कि कोड क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो आप 8448447780 पर कॉल कर सकते हैं. आपका हेल्पलाइन नंबर रहेगा और इस नंबर पर आप फोन करके पूछेगा कि सर wifistudy JEE से बोल रहे हो, हमें wifistudy JEE के कोर्सेज लेने हैं, विवेक सर ने हमें बताया था कि भैया हमें ये नंबर पर पूछ लेना है, कैसे हेल्प मिलेगी. तो वो आपको हेल्प कर देंगे प्रॉपर कि किस तरह से आपको ये कोड यूज करना है, किस तरह से आपको
कोर्स परचेज करना। अगर आप 11th क्लास में है तो आपको 2 साल का कोर्स लेना चाहिए, 24 मंथ्स का लेना चाहिए। आप अगर 12th में है तो आपको 12 मंथ्स का लेना चाहिए। और अगर आप ट्रायल करना चाह रहे हैं तो 6 महीने का लेना, एक महीने 3 महीने का मत लेना। इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास में कि भाई 1 महीने 3 महीने का टाइम पास करोगे, ठीक है। तो ये कोर्स आप ले लेना, कोर्स किसी का भी एक्सेस कर सकते हो। ये कोड यूज़ करने पे किसी का भी कोर्स लो आपको जो है वहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप नीट का कोर्स लो, कोई सी भी एग्जाम का लो, विवेक 10 कोड की तरफ से आपको 10% डिस्काउंट तथास्तु हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोगों का चल रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। बीबीटी जो है, वैलेंस बाउंड थ्योरी जो थी, और आपकी जो वर्नर थ्योरी थी, वर्नर थ्योरी और मॉडिफाइड वर्नर थ्योरी जो थी वो दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसके बाद वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आई थी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी? बीबीटी फेल टू एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच कैन बी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ सीएफटी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा जिस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है उन सबको बीबीटी फेल नहीं कर पाई थी। बीबीटी का ये फेलियर था। पहला फेलियर क्या था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा क्या था? कलर प्रॉपर्टी। कलर क्या होगा भैया? लाल होगा, पीला होगा, हरा होगा, सफेद होगा या काला होगा, क्या कलर होगा ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना ये बता पाया कि कलर्ड है या अनकलर्ड है, कलर्ड है या कलरलेस है, सॉरी अनकलर्ड नहीं, कलर्ड है या कलरलेस है, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड क्या? आपका इनर एंड आउटर ऑर्बिटल प्रॉपर्टी। भाई आपको याद हो कल की क्लास में, कल के लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि sp3d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, dsp2 हो रहा था। क्या हो रहा था भैया? ये कभी d अंदर है कभी बाहर है। तो ये इनर और आउटर ऑर्बिटल प्रॉपर्टी क्या है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और हाई स्पिन लो स्पिन प्रॉपर्टी क्या है, हाई स्पिन लो स्पिन प्रॉपर्टी क्या रहेगी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए जरूरत पड़ी सीएफटी की। पहले आई कौन सी? बीबीटी, फिर आई आपकी सीएफटी, और सीएफटी के बाद आती है एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। क्या ही? एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट था। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड जब हम काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं? लिगेंड काम में लेते हैं तो लिगेंड जो है बेसिकली उनकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपके डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल हैं, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल जो है आपके, वो आपके दो तरह से पार्टिसिपेट हो जाते, दो तरह से बढ़ जाते हैं, दो एनर्जी सेट में डिवाइड हो जाते हैं। एक T2g, एक EG। एक होता है आपका DXY, एक होता है DYZ, एक होता है DZX। क्या होता है? ये DXZ इसको बोलते हैं। ये कौन से होते हैं? आपके एक्सिस के बीच में होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। ये दो एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाता है। दूसरा कौन सा होता है आपका? DX²Y²DZ² ऑन एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? ये ऑन एक्सिस होते हैं। तो ये हो या ये हो, इन दोनों को ही क्या है? स्प्लिट कर देता है। डी ऑर्बिटल जो है वो क्या हो जाते हैं? आपके स्प्लिट हो जाते हैं दो एनर्जी सेट के अंदर। और फिर बात करते हैं कि आगे का फंडा क्या रहेगा। देखिए, ये आपका कौन सा हो गया? ये ऑर्बिटल कौन सा है पहला? ये देखिएगा, ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? DXY DYZ, ये तीन ऑर्बिटल यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। कौन कौन से ऑर्बिटल दिए हुए हैं? ये DX²Y² है, कौन सा है ये? ये आपका डी दे रखा है, DX²Y² है। और ये कौन सा आपका? DZ² XYZ एक रिंग भी होती है ना यहाँ पे, यूं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं DX²Y², ये बेसिकली क्या होते हैं? ये स्क्वायर शेप फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? ये स्क्वायर शेप फॉर्म करते हैं। ये कौन सा? ये DZ² है ना। DX²Y² जो होंगे क्या होंगे? ये स्क्वायर शेप में होंगे। और ये क्या करेंगे? DSP3 या फिर SP3D2 करते हैं, DSP3 या फिर क्या करते हैं? ये SP3D2 शो करते हैं, ठीक है। और ये जो DZ², ये क्या करेंगे? आपके बायपिरामिडल करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप लाइक और शेयर नहीं करते हो यार, हाँ लाइक और शेयर आप इसको नहीं करते हो। D2SP3 के अलावा और क्या हो सकता है? DSP3 क्या हो सकता है? DSP3, ठीक है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड डीडी स्प्लिटिंग जो भी जो है आपकी वो क्या हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है, वो डिपेंड करेगा लिगेंड का टाइप क्या है, है ना, नंबर क्या है, लिगेंड का नंबर क्या है। पहला जो टाइप है वो क्या, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसका कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल। आपकी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिवाइड हो जाती है वो कब होती है, इन प्रेजेंस ऑफ फोर लिगेंड्स। जब आप क्या करोगे, चार लिगेंड लोगे, कितने लिगेंड लोगे काम में, फोर लिगेंड्स आप काम में लोगे, तो उस केस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ फोर लिगेंड्स एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल्स बिकम्स हाई। ये कौन से ऑर्बिटल है, T2G ऑर्बिटल है, कौन से ऑर्बिटल है, T2G ऑर्बिटल है। और जो रिपल्शन होता है बेसिकली किसके बीच में, पॉइंट चार्ज ऑफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल के बीच में और पॉइंट चार्ज जो लिगेंड होगा उसके रिपल्शन की वजह से क्या होते हैं, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। और डिवाइड हो जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच इलेक्ट्रॉन फिल करने होते थे, आप ऐसे करते थे। अब पांच इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे तो क्या करोगे, पहले लो एनर्जी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। अगर ये डिवाइड नहीं होते तो पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होते, अनपेयर्ड होते, और अनपेयर्ड होते तो क्या होता है, कंपाउंड कलर्ड होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, देखो अब दो तो पेयरिंग में चले गए, दो पेयरिंग में चले गए, एक ही अनपेयर्ड बचा ना, यहाँ पेयरिंग में कितने अनपेयर्ड, कितने पांच, ये अनपेयर्ड कितना हो गया, 1। किस वजह से हुआ ये, चार लिगेंड के केस में इस तरह से ऑर्बिटल डिवाइड हो गए ना, तो T2G क्या हो गया, उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, T2G खाली पड़े हुए हैं, ईजी ऑर्बिटल क्या हो गए आपके, ईजी ऑर्बिटल आपके फिल हो गए, ईजी ऑर्बिटल आपके फुल यहाँ पे हो गए, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर आप बात करें कि वहां पे आपके छह लिगेंड हो, कितने लिगेंड हो, छह लिगेंड हो, तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज ऑफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईजी ऑर्बिटल। अब देखो पॉइंट चार्ज जो है किसको रिपेल कर रहा है, अगर पॉइंट चार्ज T2G को रिपेल कर रहा है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिवाइड होगा। और अगर आपका ईजी इलेक्ट्रॉन जो है, ईजी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर रिपेल कर रहा है पॉइंट चार्ज, तो क्या होगा, ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो भैया, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, आया एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया बिल्कुल अनपेयर्ड है, तीसरा आया, तीसरा अनपेयर्ड है, जबकि पिछले वाले केस में क्या हो गया था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग हो गई थी ना, यह भी पेयरिंग नहीं हुई है। चौथा इलेक्ट्रॉन आया, चौथे में वहाँ पे क्या होता था, दूसरी बार पेयरिंग हो जाती थी, यहाँ तो पहली बार पेयरिंग होगी। पाँचवा इलेक्ट्रॉन आया, पेयरिंग हो गई। सिक्स इलेक्ट्रॉन में यहाँ पहली बार पेयरिंग होगी, सिक्स यहाँ होगा। सेवन्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, सेवन्थ में यहाँ अनपेयर्ड। एट्थ इलेक्ट्रॉन आया, एट्थ इलेक्ट्रॉन, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन आया, अब पेयरिंग होगी, टेंथ में फिर पेयरिंग होगी। ये यहाँ पे फंडा काम करता है, क्या करता है, ये फंडा यहाँ पे काम करता है, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता देता हूँ, मंडे से थोड़ा सा इसमें पैटर्न भी चेंज करेंगे, ये चैप्टर खत्म होने के बाद में हम लोग जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करवाएंगे थ्योरी की बजाय। अभी मैं थ्योरी आपको फटाफट करवा देता हूँ, क्योंकि फिर मंडे को मैं फिर ये CFT और ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या, फ्रॉम 3D to 4D सीरीज, 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ आप जब जाते हो तो जो आपका डेल नोड है, डेल नोड की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है 50% तक। किसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, डेल नोड की जो वैल्यू है वो 50% तक इंक्रीज आपकी हो जाती है, क्लियर है बात। एंड 4D से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ, 3D से 4D गए, 3D से 4D गए तो क्या हो रहा है, डेल नोड 50% इंक्रीज हो रहा है। और 4D से 5D जाओगे तो 25% इंक्रीज होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या होता है, एलिमेंट और 4D एंड 5D सीरीज नॉर्मली एग्जिबिट इनर ऑर्बिटल, ये क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल में ही शो करते हैं, लो स्पिन प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना, मतलब कि ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑर्बिट, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, किसी तरह करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। और स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या हो गया, पेयरिंग हो जाएगी ना, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। If डेल जीरो increases, then tendency of electron to come in lower energy level highly increases. अगर डेल नोड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है तो जो लो लेवल एनर्जी है, लो इलेक्ट्रो एनर्जी लेवल जो है आपके, उनमें जो है क्या होगी, टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन की जाने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 3D से 4D पे जाने पे टेंडेंसी एकदम से लो लेवल में जाने में बढ़ जाती है, टेंडेंसी बढ़ जाती है। DD स्प्लिटिंग इज मेनली अफेक्टेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है,
हम लास्ट क्लास में बात भी कर रहे थे कि चार्ज डेंसिटी कैसे इफेक्ट करती है पूरे कॉम्प्लेक्स को, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करती है, और लिगेंड जो है उसकी स्ट्रेंथ. तो लिगेंड की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी और सेंट्रल मेटल लाइन की जो है चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो दोनों के इसमें स्टेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्स की हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ये डीडी स्प्लिटिंग में भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा हो गई तो क्या होगा वहाँ पे, पेयरिंग हो जाएगी ना, इनर पेयरिंग हो जाएगी. पेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा वहाँ पे, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे. इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, लो स्पिन प्रॉपर्टी होगी, है ना. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वहाँ पे हो सकते हैं. ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करें, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या होगा, देखिए ये हमने लिया वीक लिगेंड, क्या लिया वीक लिगेंड, ये हमने लिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड. ठीक है ना, ये देखो ये जो गैप है, ये जो गैप है ये कम है, और इसमें देखो इसमें गैप क्या है आपका, ज़्यादा है. इसमें गैप कम है, इसमें गैप क्या आपका, ज़्यादा है. वीक लिगेंड है, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो अगर उसको थोड़ी भी एनर्जी मिल गई तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा वीक लिगेंड के केस में. लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ जाएगा, क्योंकि गैप क्या है, ज़्यादा है. तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो स्प्लिटिंग के जो गैप है ये डेल नोड की जो वैल्यू उसको क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है 3D से 4D पे जाने पे 50% और उसके आगे जाने पे 25% इंक्रीज कर देता है. क्लियर है बात, हाँ क्लियर है. तो कुछ और पॉइंट्स है, कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D9, D10 आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड. D1, D2, D3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है बताएं, चलो बताते हैं. ये मैं हटा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन खाली कर देते हैं. एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आया, कुछ फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा. दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा. तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, कोई फ़र्क पड़ा, कोई पेयरिंग अनपेयरिंग स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. तो D1, D2, D3 के केस में नहीं फ़र्क पड़ता. चौथा इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी. यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा. वीक लिगेंड में क्या हो रहा है, पेयरिंग नहीं हो रही है. स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है. समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग में क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है. मतलब फ़र्क पड़ने लगे चौथे पे, तो 4, 5, 6 पे फ़र्क पड़ता है. ठीक है, 5 पे भी फ़र्क पड़ेगा, 6 पे भी फ़र्क पड़ेगा, 7 पे भी पड़ेगा और 8 पे भी पड़ेगा, लेकिन 9 और 10 पे फ़र्क नहीं पड़ेगा. बना के देखोगे आप, मैंने जैसे 1, 2, 3 का आपको एक्सप्लेन किया, 4 का एक्सप्लेन किया, वैसे D से 10 तक का एक्सप्लेन आप खुद करेंगे, खुद बना के देखेंगे. D4, D5, D6, D7 एंड आर मोर अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग लिगेंड. अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, उससे वो है जो है ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे. इन केस ऑफ D8 कॉन्फ़िगरेशन, अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 9, 10 का तो क्लियर है. D8 कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स. D8 के अंदर डिपेंड करता है कि वो पेयरिंग करेगा नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर, उससे हम एक्सप्लेन करते हैं. करेक्ट है, क्लियर है, ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिखो इसको फटाफट.
क्लियर है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका वीक लिगेंड होगा तो वो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों होगा? वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं हो पाएगी, पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वो हाई स्पिन होगा। क्या होगा? हाई स्पिन होगा, ठीक है। तो वीक लिगेंड के केस में हाई स्पिन होगा तो आउटर ऑर्बिटल वहां पे क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे sp3d2, है ना, इस तरह से। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में वहां पे पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वहां पे फॉर्म होगा, इनर ऑर्बिटल वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे वहां पे? इनर ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लूं, D4 अगर आप काम में ले लो, D4 में आपने लिया वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम में लिया, है ना। T2g ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल दोनों है, क्या है, T2g ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल दोनों है। D4 के इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करने हैं, वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 4 हैं। यहाँ पे क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए कितने हैं? 2 हैं। तो वीक लिगेंड के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, स्पिन भी ज़्यादा होगा, हाई स्पिन होगा। और इस केस में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो क्या होगा, लो स्पिन होगा एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो फिर एक क्वेश्चन यहां पे ले। इन D7 कॉन्फ़िगरेशन, राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2g एंड EG ऑर्बिटल। किसी एग्जाम में आया हुआ है बहुत पहले, मतलब बहुत पहले, है ना, 5-7 साल 10 साल पहले क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है, है ना। ऑप्शंस दिए हुए थे वहाँ पे, पर यहाँ पे ऑप्शंस आपको नहीं दिए हुए हैं। D7 कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताना है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा T2g ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल्स का, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों के केस में आप बता सकते हैं। देखिए 7 है तो 1 2 3 4 5 6 देन 7, तो क्या हो गया, T2g 6 EG 1। यहाँ क्या होगा, 1 2 3
4, 5, 6, 7 मतलब T2G में कितना आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड EG में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा 2 आएगा। क्लियर है बात? चलो फिर मेरे को आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन राइट कॉन्फ़िगरेशन एंड म्यू फॉर T2G एंड EG। इसको ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, चलो ऐसे लिख दिया तो लिख ही देते हैं। बताओ क्या होगा, इसको ले लेते हैं वीक लिगेंड। वीक लिगेंड के इसमें ये गैप कम होगा और ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। D5 1, 2, 3, 4, 5 अगर स्प्लिटिंग नहीं होती तो इसका मोमेंट कितना आता 5 point something आता। म्यू की वैल्यू जो है म्यू की वैल्यू कुछ इतनी आती 5 point कुछ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है T2G के अंदर, T2G के अंदर 2, 2, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 तो इसका मूवमेंट कितना आएगा म्यू की वैल्यू 1 point कुछ आएगी। इसकी बात करें वीक लिगेंड के केस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 5 point कुछ आएगी। म्यू किसका ज़्यादा है वीक लिगेंड के केस में, वीक लिगेंड के केस में ज़्यादा म्यू, यहाँ ज़्यादा है तो क्या होगा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा और ये क्या होगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए हाइब्रिडाइजेशन बताइए है ना। FeCN6 होल माइनस 3 एक कंपाउंड है, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन और अदर प्रॉपर्टीज़ बतानी है। क्या बतानी है आपको हाइब्रिडाइजेशन और अदर प्रॉपर्टीज़ बतानी है। साइनाइड का आपको पता है साइनाइड जो है वो क्या आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। बताइए देखिए Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 6। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्टेट के बाद में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो डी के अंदर आपके कितने आ जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और एस में कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 3D के अंदर अगर हम बात करेंगे 3D के अंदर कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3D में। 4S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4P's का क्या है वैकेंट है और 4D की बात करेंगे तो वो भी इसका क्या है वैकेंट है। 4D भी इसका वैकेंट है ठीक है। अगर यहाँ Fe की बात करें तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ रही है Fe+3। क्या आ रही है Fe+3 आ रही है और साइनाइड जो है वो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये T2G EG ऑर्बिटल में क्या करेगा गैप को बढ़ा देगा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ जाएंगे T2G को कंप्लीट करेंगे फिर EG में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ अब ये ऑर्बिटल जो है ब्रेक हो गए। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें Fe+3 ये तो Fe के लिए था कॉन्फ़िगरेशन ये किसके लिए हो गया Fe+3 के लिए। ठीक है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेट कर दिए तो वैकेंट हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ये पेयर डोनेट कर देगा तो कितने रह जाएंगे अनपेयर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रह जाएंगे। अब क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन है T2G और EG के अंदर हमें करनी है स्प्लिटिंग T2G और EG में कर देंगे
तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा तो इस तरह से होगा, ये ईजी ऑर्बिटल हो गया और ये टी टू जी ऑर्बिटल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा यहीं हो जाएगा, पांचवा यहीं आ जाएगा। तो ईजी ऑर्बिटल में जो दो डी ऑर्बिटल है वो क्या आपके खाली पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। ये कौन से ऑर्बिटल है, इजी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये इजी ऑर्बिटल है, ये इजी ऑर्बिटल ही तो है, ये खाली पड़ा हुआ है, ये खाली पड़ा हुआ है, ये कितने, एक डी, दूसरा डी, ये एस, फोर एस, ये क्या हो गया, पी हो गया। फिर ये आपका साइनाइड कितने आपके यहाँ पे, छः, कितने साइनाइड है आपके, छः साइनाइड के लिए आपको वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, छः। तो एक साइनाइड यहाँ पर आ गया, एक साइनाइड यहाँ आ गया, एक साइनाइड यहाँ पर आ गया, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ और एक साइनाइड यहाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दो डी कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनर कर रहे हैं ना, थ्री डी कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, डी टू एस पी थ्री, क्या हो गया, डी टू एस पी थ्री। हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, ऑब्वियसली लो स्पिन होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लो स्पिन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, बिल्कुल है, एक है, एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हो गया, क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक है। कलर्ड होगा, पैरामैग्नेटिक है तो क्या होगा, ये कलर्ड भी होगा। अब म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1. कुछ इसका म्यू का वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 1. कुछ इसका म्यू का वैल्यू आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FeF6, NiCl4, NiCN, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, किस में दे रहा हूँ ये आपको, मैं एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर, एक क्वेश्चन तो आप यहीं कर लो, एक काम करो, FeF6-3 जो है ये तो एटलीस्ट यहीं कर लो आप अभी। फ्लोरीन जो होता है वो वीक लिगेंड होता है, क्या होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन वीक लिगेंड होता है, पेयरिंग नहीं करवाएगा। एफ ई की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, वही 3, वही दो ऑर्बिटल ये खाली होंगे, ये खाली हो जाएगा। एफ ई के केस में क्या आएगा, Fe+3 के केस में वीक लिगेंड है, नो पेयरिंग है ना, ये ध्यान रखना। फाइव, ये बाकी खाली पड़े हुए हैं तो क्या होगा, ये S पार्टिसिपेट करेगा, 3 P पार्टिसिपेट करेंगे और D में 2 पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। हाई स्पिन होगा, क्या होगा, ये हाई स्पिन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 5 हैं तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी, हाई स्पिन तो होगा ही होगा। म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 5. कुछ वैल्यू इसकी म्यू की आने वाली है, कितनी आएगी इसकी म्यू की वैल्यू, 5. कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, NiCl4-2 या NiCN4-2, ये कंपाउंड जो आपके होमवर्क है ये खुद से आप करेंगे, मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आप खुद से करेंगे। और कुछ क्वेश्चन हैं, ये सारे होमवर्क क्वेश्चन हैं, ये खुद से आप करने वाले हैं, ये मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। कॉपर के कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, कॉपर के केस में एक चीज़ ध्यान रखोगे, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड विद कॉपर प्लस टू के साथ में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है 3D ऑर्बिटल से वो ट्रांसफर हो जाता है 4P ऑर्बिटल में, किस में हो जाता है, 4P ऑर्बिटल में, उसमें क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना है इस पॉइंट का, यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स हैविंग D10 कॉन्फिग्रेशन, जब D10 हो, मतलब कि जिंक हो गया आपका, है ना, क्या हो गया, जिंक हो गया है ना, जिंक नहीं, जिंक के अलावा भी हो सकते हैं मटेरियल, है ना, डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है। तो आपका जो कंपाउंड है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर सिंपली देखेंगे, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे देख लेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से तो कुछ और ही कहानी आ जाएगी, इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन आ जाएगा, तो वो तो नहीं मतलब बनेगा उससे, ठीक है ना बात। तो D10 अगर आप यहाँ पे लोगे, D10 कॉन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन, तो दैट कैन नॉट एग्जिबिट इनर ऑर्बिटल एंड लो और हाई स्पिन प्रॉपर्टी, है ना, जैसे कि Zn+2 हो गया, Cadmium+2 हो गया, Mercury+2 हो गया, Copper+2 हो गया, ये सब D10 शो करते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पे अगर Zn+2 शो कर रहा है, करेगा कर ही रहा है करेगा क्या कर ही रहा है
यहाँ पे भी शो कर रहा है प्लस टू, ये भी प्लस टू शो कर रहा है, ये भी प्लस टू शो कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं आपके, ये आपके इनर ऑर्बिटल और लो और हाई स्पिन प्रॉपर्टी जो है ये शो नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, ये इनर और लो हाई स्पिन प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एलिमेंट ऑफ 4D, एलिमेंट ऑफ 4D एंड 5D सीरीज नॉर्मली फॉर्म इनर ऑर्बिटल एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ डेल। 4D और 5D के जो होते हैं मतलब एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं, वो इनर ऑर्बिटल जो है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करते हैं। सिंपल सा है, हाई स्पिन नहीं होगा, वहाँ पे पेयरिंग हो ही जाती है। क्या हो जाती है, वहाँ पेयरिंग हो जाती है। क्यों मैंने बताया था, 3D से जब 4D पे जाते हैं तो डेल नोड की वैल्यू ऐसे चेंज होती है। अब 4D से जाने पे 5D जाने पे काफ़ी चेंज हो जाती है, 50% तक यहाँ चेंज होती है, 25% यहाँ चेंज हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, इसलिए जो है ये हमेशा पेयरिंग करवा देंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, लो स्पिन मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कंपाउंड्स आप कर लेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। ये कंपाउंड जो है इनके कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप निकाल लेंगे, है ना। ये होमवर्क में ही है, ये भी होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में है क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाई स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्यों स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ये आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आप मुझे बताओगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे। कोई भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए इनके, हाइब्रिडाइजेशन है कुछ भी हो, उन कंपाउंड का नाम लिखना और उसके भी नीचे उसका, उसके साथ में क्या लिखोगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये CFT जो पूरा कंप्लीट हो जाता है। CFT से हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चल गया। CFT का मेन फंडा क्या था, CFT किस लिए आई थी हमारे पास, CFT आई थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक है या नहीं है बता रहा है, कलर्ड है या नहीं है वो बता रहा है, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल बता रहा है, लोअर हाई स्पिन प्रॉपर्टी भी ये यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अनएकेडमी प्लस पे मेरा मंडे को कोर्स आने वाला है, कल सुबह भी एक सेशन है सुबह 9 बजे, जिसको आपको अटेंड करना है, और इसको अटेंड करना मत भूलना, और ये जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। और कोई भी कोर्स आपको अनएकेडमी प्लस पे लेना है, प्रोमो कोड यूज़ करना विवेक10, आपको हेल्पलाइन नंबर मैं बता चुका हूँ, 8448447780 हेल्पलाइन नंबर है, जिसको आप यूज़ करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप IIT का एग्जाम लें या फिर नीट का कोर्स लें या कोई और एक कोर्स आप लेने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।